बजे बच्चे सुबह का अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। मेरा रोज का काम खत्म हो गया, नहा करके पूजा भी कर लिए हैं, बैठे थे थोड़ा देर, सोमा का घर पूछना हो गया, टॉपिक को अभी घुमाने ले जाएगा, टॉपिक को आज नहा है इसीलिए हम बैठे, देखिए बैठ गया, उसको अभी घूमना है, जा रहे हैं सब्जी काटेंगे, तब तक टॉपिक को घुमा के लाएगा सोमा, फिर इसको नहलाएंगे, फिर जाके नाश्ता कर लिए सब्जी बनाएंगे। तो घूमने जाएगा तो अच्छा अच्छा मस्त है, घूमने जाएगा तो चलो घूमने चलो, चलो 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 चलो, उसको बोल देने से कल घूमने चलो, मम्मी नहीं ले जाएगी, हम ले जाएंगे घुमाने, हम ले जाएंगे, आओ आओ। टफी अंदर नहा रहा है तो चोरी छुपके उसको देख रहा है, हम बोल रहे नहाएगा तुम, काट देगा इसको नहलाने से, ये अभी नहू नहू कर रहा आज, बहुत गर्मी भी है और कितना दिन हो गया नहा नहीं, हो गया 5-6 दिन, 5-6 दिन हो गया नहा नहीं, आज नहा रहा तो इतना डर रहा है, बड़ी डरता है बचपन से नहाने नहाने, उसको नहला नहीं सकता था पहले कोई, नहाने से अच्छा लगता है बॉडी, जानता है तब पर भी डरता है। आज सुबह तो गर्मी आम अंगना झाड़ू करो तो जाके बाहर में बैठा था बालू खोद के, ओ भाग गया कहा, इसको नहाना नहीं है, पंखा चाहिए खाली, पंखा के नीचे आके बैठ गया, नहा के तो आ गया, मम्मी उसको बांध दे, मम्मी को फिर से नहला दे रहा है। रोटी बन के तैयार हो चुका है, आज सब्जी में बैंगन का चोखा बना है, इसमें टमाटर धनिया पत्ता सब मिक्स किया हुआ है, अभी मम्मी पराठा बनाएगी शायद ना माँ, गर्मी बहुत है, सुबह से काम करके तो मम्मी की हालत खराब हो गई गर्मी में, तो नहा लिया है अपना आराम से बैठा हुआ, और वो अपना पंखा के नीचे बैठा, उसको तो नहलाते नहीं है, देख रहा है, क्या देख रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है, चले नाश्ता करने, नाश्ता बन के रेडी हो गया है, आज बैगन चोखा बना है सब्जी में, प्याज है पराठा, इधर रोटी है, अभी शाम का 5 बज रहा, हम खाना खा रहे हैं, हम दोपहर को सो गए थे, आज बहुत नींद लग रहा था तो अभी बहुत कस के भूख लगा, सुबह सिर्फ 2 रोटी खाए हैं, मम्मी बैठी है, मम्मी को भी थोड़ा खिला दे रहे हैं, मूंग दाल बनाते हैं, दिखाए नहीं सब्जी याद नहीं मेरे, हम भूल गए, मूंग दाल बनाते हैं, टमाटर मछली का खट्टा बनाते हैं, बैगन जो चोखा बनाए थे सुबह होता, और मछली फ्राई, यार मछली का तेल वो नहीं खाता इसीलिए उसको नहीं दी, अभी लंच करेंगे जा रहे, लंच करने के बाद सो गए थे, थोड़ा सा सोए थे आज, सोने के बाद जगे, बर्तन नहीं धोए थे, फिर बर्तन धोए, लंच वाला सब दिन धो देते हैं, कभी कल धोने मन नहीं करता रख देते, वो धोए उठ के, सोमा लंच नहीं की थी वो थोड़ा सा की, फिर अभी हम लोग थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, आप लोग भी मेरा साथ चलिए, बैठा बैठा बोर आ जाता है, जा रहे हैं घूम के थोड़ा आएंगे, सोमा भी जाएगी, सोमा भी तैयार हो गई, वो आ रही है, पैदल जा रहे हैं, जाते जाते ऑटो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो माँ बेटी पैदल चलेगा ना सोमा, फिर बोलेगी बहुत गर्मी इसलिए मुंह बांध लिया, बहुत गर्मी अभी, बहुत धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है, बाहर का जो गर्मी का आवट है ना उसी में बहुत गर्मी हो रहा है, मार्केट तो आ गए, गर्मी बहुत है लेकिन आगे गाड़ी यार हम देखे है, मम्मी तभी डर जाती है, हम लोग का एक बार एक्सीडेंट हुआ था ना उसके इसीलिए, बहुत गर्मी बहुत, फेस बांध के आए थे, मेरा स्टॉल पूरा भींग गया, अभी थोड़ा मुंह खोल दे क्योंकि शाम हो गया, पूरा बांध के रखने से मुंह ताकता रहता सबको, देखते हैं अभी क्या और प्लानिंग है, कुछ लेने का तो लेके चल जाएंगे घर, आज मंगलवार है ना, मार्केट बहुत भीड़ है, कल ही आने वाले थे मम्मी लेकिन बोली कि मंगलवार को जाएंगे तो आज आए हैं, केला लिए, इतना भीड़ है ना, इतना फॉरेन का आवाज दे रहा है कि बात भी नहीं कर पाएगा कोई, कुछ खाए नहीं, बस एक थम्स अप लिए थे, बहुत गर्मी है कुछ खाने का मन नहीं है, घर में भी नहीं खाए थे, थोड़ा सा शाम को एकदम थोड़ा सा चावल लिए थे वही खाए, घर चलिएगा, हाँ मम्मी यार हम खड़े हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा,
पिछले बार आए थे बहुत सारा ऑटो, तो मम्मी बोलती कि तो मंगलवार को चलो ऑटो मिलेगा, जो एक भी नहीं ऑटो मिल रहा, गर्मी बहुत है। इंतजार कर रहे थे टोटो मिल गया, तो टोटो में बैठ के जा रहे थे। तो उसको दुकान में खुला लेंगे, चलो मेरा बात क्या सुन लो, उसको जवाब दो। आ गए अपना घर के पास तक, देखिए टोटो में आए तो जल्दी आ गए। अब यहाँ से कुछ लेंगे और चल जाएंगे घर। घर आके पहुँच गए हैं हम लोग, आके कपड़ा चेंज कर लिए हैं, उसके बाद डॉगी लोग को भी खाना दे दिए हैं। हम रोटी वोटी नहीं बनाए, चूड़ा गुड़ और केला दूध ये सब हम लोग डिनर कर लिए, बर्तन नहीं धोए। बहुत गर्मी है, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।